हुण खबरां विस्तार दे नाल पंजाब भाजपा विच जल्द वड्डे बदलाव होणगे सूत्रां दे हवाले तो यह खबर सामने आ रही है। सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है कि पंजाब भाजपा का प्रधान भी बदलिया जा सकता है। पंजाब भाजपा कार्यकारिणी का मुड़ गठन होगा सूत्रां दे हवाले तो यह भी खबर सामने आ रही है। सारे मोर्चियां दे मुखी जो है वह बदले जाएंगे। सितंबर विच पंजाब भाजपा नूं नवी टीम मिल सकती है ते अगले हफ्ते पंजाब गजेंद्र शेखावत ते मीनाक्षी लेखी आ सकते ने। ए वी सूत्रां दे हवाले तो खबर सामने आ रही है। सो वड्डी खबर अपने दर्शकां तक इस वेले पहुंचा दिए। पंजाब भाजपा विच जल्द वड्डे बदलाव हो सकते ने सूत्रां दे हवाले तो खबर आ रही है। सूत्रां दे हवाले तो यह भी खबर आ रही है कि पंजाब भाजपा का जो प्रधान है उसनूं भी बदलिया जा सकता है। इस दे नाल ही सूत्रां दे हवाले तो यह भी खबर आ रही कि पंजाब भाजपा कार्यकारिणी का भी मुड़ तो गठन होएगा। इसी ते साडे नाल साडे सहयोगी बने होए ने नेहा। नेहा तौर ते जानना चाहांगे पंजाब भाजपा च जल्द वड्डे बदलाव होण जा रहे ने, कार्यकारिणी दे गठन दी की शक्लो सूरत रहण वाली है? बिल्कुल, देखो काफी देर तो पहले मैं जड़ी हैगी है इस गुवाहट चल रही हैगी है कि पंजाब भाजपा की जड़ी लीडरशिप हैगी है उसमें बदलना हैगा, क्योंकि इलेक्शन तो बाद ही है जड़ी जड़ी गल्ला हैगियां सी शुरू हो गई थी। लेकिन हुण जड़े सोर्सेस सानू दस रहे हैं कि अगले हफ्ते नरेंद्र शेखावत और मीनाक्षी लेखी यह पहुंच रहे हैं ने चंडीगढ़, और उस तो बाद जरा है कार्यकारिणी जी है पूरी बदल दी जाएगी और पंजाब भाजपा का जरा मुखी हैगा उसमें भी बदलिया जा सकता है। एससी जरा इन्हों का मोर्चा है वह बदलिया जा सकता है, युवा मोर्चा की गल की जाए उसके प्रधान बदले जा सकते हैं, महिला मोर्चा के प्रधान बदले जा सकते हैं। सो बीजेपी जी है एक नवी स्ट्रैटेजी के पंजाब में जुटन जा रही है और अगले हफ्ते जरा है या सितंबर के जरा है कभी भी जरा है यह पूरा पंजाब भाजपा का जरा नवा चेहरा नवा रूप देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह काफी देर तो चल रही थी कि बीजेपी का जरा जे चेहरे ने बदलने हैं, लेकिन हूं यही लग रहा है जो सूत्र दस रहे हैं कि अगले महीने के कभी भी यह जे चेंजेस है वो आ सकते हैं। बिल्कुल, अगले महीने चेंजेस जो नेहा आ सकते हैं। तो अर्थ जानना चाहिए नवी कार्यकारिणी च कि वे नामों जो है बाहर किया जा सकता है, इस बारे कोई जानकारी? देखो हमने अगर आप सब तो पहले गल की जाए, क्योंकि पंजाब भाजपा के जोड़े मुखी ने बदलन की जी है वो गलबात जी है वो चल रही हैगी है, तो सब तो पहला तो है कि पंजाब भाजपा का जोड़ा मुखी है उसका चेहरा बदलया जाएगा। उस तो बाद जो होर भी नवे जो भी जो फेसिस है अलग अलग मोर्चा के वो बदलेंगे। तो हमने फिलहाल की घड़ी के यही है कि कौन बनेगा पंजाब भाजपा का नवा प्रधान और होर कि नवे फेसिस जोड़े ने वह इस आएंगे, लेकिन यह जरूर है कि जी सुगबुगाहट हैगी सी हूँ कन्फर्मिटी के बदली नजर आ रही है और पंजाब भाजपा एक नवे रूप के है अगले महीने तक नवे रूप के देखने मिल सकती हैगी है। बिल्कुल, पंजाब भाजपा अगले महीने जो है नवे चेहरे के रूप में देखने मिल सकती है। तमाम अपडेट लिए नेहा बहुत बहुत धन्यवाद। तो पंजाब भाजपा जल्द तो बदलाव होंगे और पंजाब भाजपा का प्रधान कौन बनेगा, इस रेस में कौन कौन शामिल है, किस से मोहर लगेगी, ये जो है देखना होगा। अगे बढ़ने श्री दरबार साहब टाइटलर की फोटो वाली टी शर्ट के मामले में अदालत ने करमजीत सिंह गिल की जमानत अर्जी रद्द कर दी है। करमजीत सिंह गिल ने टी शर्ट पा के तस्वीर वायरल कीतिया सन। कोर्ट ने धार्मिक भावनावान भड़काने के चलते अर्जी जो है करमजीत की रद्द कर दी है। पुलिस ने करमजीत विरुद्ध धारा 153 ए तहत मामला जो है दर्ज किया, हुण अर्जी करमजीत की रद्द कर दी गई है। सो श्री दरबार साहब टाइटलर की फोटो वाली टी शर्ट का यह मामला है। अदालत ने करमजीत सिंह गिल की जमानत अर्जी को रद्द कर दिया है। दरअसल करमजीत सिंह गिल ने टी शर्ट पाके तस्वीर वायरल कीतिया सन। टाइटलर की फोटो वाली टी शर्ट जो है करमजीत ने पाई थी, जिस तरीके से तस्वीर देख सकते हो इस वेले की तस्वीर ने, जब करमजीत सिंह गिल ने टी शर्ट पाके टाइटलर की फोटो वाली टी शर्ट पाके तस्वीर वायरल कीतिया सी। हुण कोर्ट ने धार्मिक भावनावान भड़काने के चलते जो अर्जी है करमजीत दी वो खारिज कर देती है। तो वड्डी खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दी है। श्री दरबार साहब विच टाइटलर दी फोटो वाली टी शर्ट के मामले में अदालत ने करमजीत सिंह गिल की जमानत अर्जी नू रद्द कर दिता है। बीते दिन ही तुहानू दस दिए कि दरबार साहब विच जगदीश टाइटलर की तस्वीर वाली टी शर्ट पा के उसकी फोटो नू सोशल मीडिया से वायरल करने वाला व्यक्ति जो करमजीत है उस ते पुलिस ने केस दर्ज कर लिया सी, ते हुण उस दी जमानत अर्जी नू खारिज कर दिता गया। साडा साडे सहयोगी मनिंदर बने हुए ने। मनिंदर, श्री दरबार साहब विच टाइटलर दी फोटो वाली टी शर्ट पा के जो शख्स सीगा उसकी जमानत अर्जी नू खारिज कर दिता गया, कोर्ट की तरफ तो की ये पूरा फैसला लिया गया? देखो तरन, इस कांग्रेसी आगू वालों श्री दरबार साहब दी प्रकरणा विच खड़े होके
ਸਤੀਸ਼ ਟੈਗਰ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੀ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਦਮਾਦਮ ਉਹ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਨੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਇਆ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰਦਾ ਬਣਿਆ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪੱਖ ਸੀ ਜੋ ਇਸਦੇ ਵਕੀਲ ਸਨ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਮੰਦਿਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਿ ਇਸਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਸਗੋਂ ਇਸਦਾ ਮੰਤਵ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸੀ ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟੈਗਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਜੋ ਟੀ ਸ਼ਰਟ ਸੀ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਰਮਾ 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਫੋਟੋ ਖਿਚਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਦਿਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਹੈ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਜੋ ਹੈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮਨਿੰਦਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ